हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा रीडिंग का ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, एंड आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके टूवर्ड्स, और साथ ही में जो भी एडिशनल मैसेजेस होंगे वो भी मैं आपके लिए निकालूंगी। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज ऑप्शन नंबर वन, कार्ड नंबर वन, शेयर द लव। ऑप्शन नंबर टू इज सिंपली लव। एंड पाइल नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इज लव अबाउंड्स। इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, प्लीज वो कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। एंड टाइम स्टैम्प्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकेंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। वन, टू एंड थ्री, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जिनके भी साथ इस वक्त करंटली आपके पर्सन इन्वॉल्व्ड हैं, उनके बीच में फिलहाल क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं टुवर्ड्स यू अभी एट प्रेजेंट। ऑल राइट गाइस, शुरू करते हैं रीडिंग ऑप्शन नंबर वन के साथ, ग्रुप नंबर वन। ग्रुप नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, जिन्होंने शेयर द लव का कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में फिलहाल क्या चल रहा है चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड गाइस जो हमारे पास आया है वो है सिक्स ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की भी, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देन वी हैव चैरियट। ऑल राइट, मूविंग अहेड, आगे बढ़ना, बैलेंस बना के चलना। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वंस अगेन जस्टिस, एक और मेजर अरकाना, लीब्रा राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, कैंसर भी हो सकते हैं, एंड ओवरऑल एनर्जी जो है उनकी बता रही है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। राशियां आपके साथ मैच हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, मैच करती हैं गुड, नहीं करती हैं टेंशन लेने की बात नहीं है। टैरो रीडिंग्स जो हैं वो जोडियक साइंस पर डिपेंड नहीं करता। ऑल राइट, सो अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, आई बिलीव आपके पर्सन बहुत हद तक दो चीज़ों में, दो रिश्तों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस इज ऑल अबाउट बैलेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, अपनी प्रायोरिटी ढूंढना, किस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है या किसको अपनी लाइफ में वैल्यू देनी है, किसके साथ रिश्ता बनाए रखना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके माइंड में चल रही है। अभी रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपना लव, अपनी फीलिंग्स या तो आपको कन्फेस करी हैं, राइट, अगर आपकी उनसे अभी रिसेंटली बात हुई है, या फिर उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो हैं, अगर वो मैस्कुलिन है ऑफकोर्स, तो अभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है वो थर्ड पार्टी को कन्फेस करी है। अगर थर्ड पर्सन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो उन्होंने प्रॉबेबली अपनी फीलिंग्स जो है अभी रिसेंटली आपके पार्टनर जो है उनको एक्सप्रेस करी है। आपके पर्सन अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हद तक, ठीक। ये इंसान जो है अपने इमोशंस से, मैं कहूंगी कि हार चुके हैं, ये अपनी फीलिंग से ही हार चुके हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा लव मैंने दूसरे लोगों के साथ शेयर किया है, शेयर द लव, राइट, इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा केयर मैंने दूसरों की करी है, बट अल्टीमेटली मैं खुद अपनी जगह में आके, इस सिचुएशन में आके मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, अब मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। तो ये कंफ्यूज लग रहे हैं, बट इनमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, आई कैन सी दैट। ये अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, राइट, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले लोग नजर आ रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन भी है, कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे थोड़े कम है, ठीक, ओके। एडिशनल मैसेजेस भी देख लेते हैं, अभी क्या एनर्जीज उनकी चल रही हैं, थर्ड पर्सन की क्या एनर्जी है, बेसिकली इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मूव, सी चेंजेस आ रहे हैं बहुत जल्दी इनके इमोशंस में, एंड वी हैव द कार्ड फॉर लीडिंग। ये अपने रिलेशनशिप को, भले इनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ हो या इनका रिलेशनशिप आपके साथ हो, ये रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं
जिस तरीके से ये चाहें उसी तरीके से इनके रिश्ते आगे बढ़ें, कंट्रोल करना चाहते हैं। देन वी हैव मैनिफेस्ट, राइट? अगेन गाइज, इट्स अ साइन ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कोई है यहाँ पे, काफी सारे लोग हैं आई वुड से जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ। बिलीव एंड सक्सीड, एंड ये मैंने आपको कहा कि बहुत हद तक यू नो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि इतनी सारी कन्फ्यूजन और इतने सारा इमोशनल ब्लंडर जो चल रहा है उसके बाद भी एक टाइम आएगा कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एम्ब्रेस एंड अपनी जो करंट सिचुएशन है उसमें ये खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल फील करने की, खुशी ढूंढने की। एंड अगर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है तो ये आई वुड से अपना टाइम प्रेयर्स में भी स्पेंड कर रहे हैं, ये किसी ना किसी तरीके से डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कहीं से इनको कुछ गाइडेंस मिले। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो टीचिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लॉ के प्रोफेशन में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ के प्रोफेशन में हो सकते हैं, राइट? कुछ आईटी से रिलेटेड कुछ लोगों की, या तो आपके पर्सन हैं उनकी जो जॉब कुछ इस तरीके की है कि वो सिटीज चेंज करते रहते हैं, या दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट, ट्रैवल उनको काफ़ी करना पड़ता है, उस वजह से उनके जो अभी करंट रिलेशनशिप जो अभी चल रहा है उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके काम की वजह से, या फिर ये अभी इतने ज़्यादा मैं कहूँगी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में चले गए हैं, इतने ज़्यादा ये कंट्रोलिंग हो गए हैं एंड कि उसका लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनके अभी करंट रिलेशनशिप पर आ रहा है, राइट? ये अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त मैं इमोशनल हुआ करता था या जिस वक्त मैं इमोशनल हुआ करती थी उस वक्त मैं एक अलग इंसान था, उस वक्त मैं वीक था एंड लोग मेरा फ़ायदा उठा पा रहे थे, इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब ये अपने न्यू सेल्फ को यू नो एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपने न्यू सेल्फ में आने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स देखते हैं टुवर्ड्स यू, आपके टुवर्ड्स इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील करते हैं। ओके, आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल लव मी, इनको अब ये श्योरिटी नहीं है कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। ओके, एक और दो और कार्ड। ओके, टॉल इनके फिजिकल फीचर हो सकता है, हो सकता है कि ये टॉल हो, आपसे ज़्यादा टॉल हो, माइट चीट अगेन, मे बी इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है एंड अगर आपका रिकन्सिलिएशन होता है तो ये फिर से चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से फिर से चीट कर सकते हैं। आई मिस योर स्माइल अलॉट, ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, स्पेशली आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। काश ऐसा ना हुआ होता, इनको इस बात का अफसोस भी है, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उस चीज़ का अफसोस भी है इनको। ये नहीं चाहते थे जो कुछ भी हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, बट देन अल्टीमेटली यू नो या तो लाइक अगर इन्होंने चीट किया है तो इनकी अपनी गलती की वजह से ये रिलेशनशिप में यू नो आपका सेपरेशन आया है, एंड अगर इन्होंने चीट नहीं किया है बिकॉज यू नो इट्स अ जनरल रीडिंग तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, काफ़ी सारी अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग पॉसिबिलिटीज कार्ड्स में निकल कर आती हैं। तो जिन लोगों के पर्सन ने उनके साथ चीट नहीं किया है, किसी और वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, जो भी रीज़न रहा है उनको बहुत अफसोस है आप लोगों के अलग होने का, वो नहीं चाहते थे कि आप उनसे अलग हों। ओके, एंजल्स के मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, या कोई भी स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या है। सक्सेस, बी असर्टिव एंड रोमांस। सो यहाँ पे मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मैक्सिमम लोग जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में वापस से रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, आपका रिलेशनशिप जो है वो अपने आप विद टाइम, डिवाइन टाइमिंग पर हील हो जाएगा। आपके पर्सन आई बिलीव वापस भी आ सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनके करंट सिचुएशन जो चल रही है वहाँ पे उनका जो अभी बिहेवियरल जो चेंज आया है
बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं थर्ड पर्सन के साथ, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। ऑल राइट गाइज, मैं एक अलग से भी रीडिंग करूंगी थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कब होगा। सो गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, सो दैट जब भी मैं वो रीडिंग अपलोड करूंगी तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप देख पाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ऑल राइट गाइज, ग्रुप नंबर वन, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा, एंड कोई सजेशन है आपके माइंड में, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊँगी। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर टू। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने सिंपली लव का कार्ड सिलेक्ट किया है, गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं इस सिचुएशन के बारे में। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं आपके पर्सन किसी चीज के होने का। एंड एक कार्ड यहाँ पे और आया है विच इज टेन ऑफ सॉल्स। तो जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की भी, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे बात हो रही है। फायर एनर्जी भी है हमारे पास यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है आपकी और आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की। एंड कुछ कम लोगों के लिए, कुछ कम परसेंटेज के लिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। आई बिलीव आपके पर्सन जो हैं इस हार्ट ब्रेक से, जो आपके साथ रिलेशनशिप एंड होने पे उन्होंने फील किया है, उससे मूव ऑन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता अभी चल रहा है, उनको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यही तो मैं चाहता था या यही तो मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरा मन कहीं पास्ट में क्यों अटका हुआ है, मैं क्यों पुरानी जो मेरी चोट है, पुराने जो मेरे घाव हैं, जो मुझे दर्द मिला है पास्ट में, मैं उसको क्यों नहीं भुला कर आगे बढ़ पा रहा हूँ, या मैं उसको क्यों नहीं भुला कर आगे बढ़ पा रही हूँ। वो सारी पास्ट में जो मुझे पेन मिला है, जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ, वो चीज़ मेरे माइंड से क्यों नहीं निकल रही है। अब तो मेरी लाइफ में कोई पर्सन भी है, लव भी है, और ये वही चीज़ है एग्जैक्टली जो मैं चाहता था या जो मैं चाहती थी, बट ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई है, भले ही इन्होंने किसी से शादी कर ली है या रिलेशनशिप में है नॉर्मली किसी के साथ। ये रिलेशनशिप में ये सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना, रीबाउंड, रीबाउंड करने के लिए, ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए सिर्फ एक रीबाउंड है। बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल कनेक्शन मुझे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का नहीं दिख रहा है, वो अभी भी पास्ट की फीलिंग्स में उलझे हुए हैं और जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। ये लोगों को शो कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ विद वॉट एवर आई हैव, हु सो एवर इज़ देयर इन माई लव लाइफ, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट द फैक्ट इज़ दैट कि इनका माइंड जो है वो कम्प्लीटली पास्ट में, जो जो भी हर्टफुल फीलिंग्स इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं आपके साथ, उन सब चीज़ों में इनका जो मन है, इनका जो दिल है, वहीं पर ही अभी अटका हुआ है, वहीं पर ही उलझा हुआ है। ओके, एडिशनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं चेक कर लेते हैं गाइस। ग्रुप नंबर टू के लिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है फिलहाल। टेक दिस कार्ड, रिफ्यूजिंग टू सी, ये कोई ना कोई एक चीज है जिसको अनदेखा करना चाहते हैं। रीच आउट, इनको जरूरत है किसी ऐसे पर्सन की मदद की जो इनको समझता हो, ये जो इनको काफी वक्त से जानता हो। रिलीज, जिसके सामने ये अपने दिल खोल के अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। लव, दे नीड लव, इनको प्यार की ज़रूरत है, ट्रू लव की ज़रूरत है। एंड ऑब्जर्व, ये कुछ चीज़ें अभी इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिनको ये देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं।
देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, एंड इनके, मैं कहूँगी इनके दिल के ऊपर ना, इनके मन के ऊपर एक बोझ सा बढ़ता जा रहा है जो ये किसी को नहीं दिखा रहे हैं, ये खुद भी नहीं देखना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन, दे आर रिफ्यूजिंग टू सी। वो रिलीज होने की ज़रूरत है, वो बर्डन जो इनके ऊपर बनता जा रहा है, बिकॉज ये अपने मन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इनके लिए एडवाइस यही आई है कि इनको रीच आउट करना है, इनको अपने किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, जिनसे भी ये कनेक्ट कर पाए अपने आप को, उनसे इनको अपनी फीलिंग्स अभी शेयर करने की ज़रूरत है। ये बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास, लेकिन उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप भी मुझे लगता है जस्ट लाइक पायल नंबर वन, मैक्सिमम लोगों के लिए ये रिलेशनशिप भी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ट्विन फ्लेम कनेक्शन की लग रही है। कुछ लोग जो हैं उनकी एथनिसिटी यहाँ पे अलग है, अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एज ग्रुप जो है वो, सॉरी, एज गैप है यहाँ पे, राइट? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। ओके, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं, आप लड़की हैं, लेडी हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं इस चीज़ को लेके, ऐसा नहीं करना है। अपने मन को आप भी हल्का कीजिए, अपनी फीलिंग्स को आपको भी शेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये जो रीडिंग्स होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली एनर्जी रीडिंग्स होती हैं, एंड एनर्जी इज़ फ्लूइड जस्ट लाइक टाइम, बदल भी सकती है एंड वाइसा वर्सा भी हो सकती है गाइज, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं, हो सकता है कि आप पे भी लागू होती हों, हो सकता है कि आप अपने मन पे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को घोंट के रख दिया है, सप्रेस करके रख दिया है, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने साथ ऐसा कर रहे हैं, देन प्लीज़ किसी न किसी से बात ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूर लीजिएगा, राइट? ओके, जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तब इनके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं? स्पेशली आपके बारे में जब ये सोचते हैं, तब क्या थॉट्स आते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं ग्रुप नंबर टू के लिए? ओके, आई टेक दिस कार्ड। डस्की व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, फिजिकल फीचर हो सकता है आपका, आपके पर्सन का। मैंने आपको छोड़ दिया इससे पहले आप मुझे छोड़ते, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ, आपके साथ इन्होंने सेपरेशन लिया है, तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल इनके माइंड में आई है, या इन्होंने ऐसा सोचा है, फील किया है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया इससे पहले कि आप इनको छोड़ते, यानी कहीं ना कहीं इनको डाउट था कि आप इनको छोड़ सकते थे। लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं है, इनको कहीं पे भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं नज़र आ रही है, एंड अभी भी मुझे लगता है इनका मन जो है वो शांति ढूंढना चाह रहा है, ये खुशी की तलाश में है अभी भी। मुझे आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है, आपका मेरी जिंदगी में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है। तो जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, काफ़ी टाइम हो गया अगर आप लोगों की बातचीत हुए हुए, तो आई बिलीव आपके जो पर्सन है उनको डर लग रहा है आपसे बात करने में, आपका रिएक्शन क्या होगा। आई स्टिल लव यू, इनके मन में अभी भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपके टूवर्ड्स, बट द प्रॉब्लम इज कि ये देखना नहीं चाहते हैं, ये कंप्लीटली जो भी सच्चाई है उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं देखना चाहते हैं। दैट्स वेरी सैड। ऑल राइट, एंजल्स की क्या एडवाइस है आपके लिए, ये भी चेक कर लेते हैं। ग्रुप नंबर टू, एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए? कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडिंग मैसेज जिससे आपकी हेल्प हो सकती है, या आपको आपके सिचुएशन के लिए कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए। ये रिलेशनशिप भी आपका रिकनसाइल हो सकता है, रिकनसिलिएशन के चांसेस हैं यहाँ पे भी। आपको या आपके पर्सन को अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी इंट्यूजन को सुनने की ज़रूरत है।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड कुछ ऐसी बातें हैं फिलहाल जो आपको अभी जाननी हैं अपने बारे में या अपने कनेक्शन के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, कुछ ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन की तरफ से गाइज आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है, एंजल्स की तरफ से दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। कुछ ऐसी बात है जो आपको जानने की ज़रूरत है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिलेशनशिप में भी रिकन्सिलिएशन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर टू, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, टैरो बाय टीजे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर आऊँगी। एंड गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर थ्री। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर थ्री, जिन्होंने लव अबाउंड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है आइए देखते हैं। ओके, एक कार्ड यहाँ पे मेरे पास आ गया है विच इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस द टावर। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसेस राशि। ये राशियां हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की, बिकॉज थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। राइट, सो अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है गाइस? पहली चीज तो मुझे यही नजर आ रही है कि इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी रिलेशनशिप है ये फॉरएवर वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसमें एंडिंग होगी। एंड इसके लिए मैं अलग से रीडिंग करूंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब एंड होगी। तो गाइज कल मैं ये रीडिंग पोस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, सो दैट जब भी मैं वो रीडिंग पोस्ट करती हूँ, फ्रेश रीडिंग ऑन रिकन्सिलिएशन एंड थर्ड पार्टी एंड कब होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, आप देख पाएंगे। राइट, ओके, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है फिलहाल, थर्ड पार्टी जो है, जो भी थर्ड पर्सन है जिनके भी साथ वो इस वक्त रिलेशनशिप में है या जिनकी भी तरफ वो अट्रैक्टेड है, जो थर्ड पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स नहीं है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक सीरियस नज़र आ रहे हैं, बट थर्ड पार्टी जो है उनकी फीलिंग्स जो है वो बस उनके पास कुछ खास नहीं है आपके पर्सन के लिए। राइट, मे बी आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो आपके पार्टनर में उस हद तक इंटरेस्टेड नहीं है जिस हद तक आपके पार्टनर उनमें इंटरेस्टेड हैं। एंड यही मे बी यही एक रीजन बनेगा ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप के एंड होने का। टावर कार्ड यहाँ पे आया है गाइस। थर्ड पार्टी जो है उनके लिए मैं एक और चीज यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉबली ऑलरेडी कोई और पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में भी मे बी कोई और पर्सन है, जिनकी वजह से वो आपके पार्टनर जो है उनकी तरफ कम्प्लीटली एक सॉलिड ऑफर लेकर नहीं आ पा रहे हैं, या कह लीजिए कि एक फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन पा रहा है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है एंड आपके पर्सन जो है वो अपनी पूरी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं थर्ड पार्टी से, जो कि आगे चल के टूटने वाला है। राइट, क्योंकि जहां पर ट्रू लव नहीं है वो चीज नहीं टिकेगी। इनको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, इनको एंजाइटी हो रही है, ये बुरे सपने आ रहे हैं, इनको पास्ट के बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एंड जस्ट डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं ये मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि जो कुछ इन्होंने एक्सपेक्ट किया था थर्ड पार्टी के साथ कि अब ये होगा मेरे रिलेशनशिप में, अब ये होगा, जो कुछ भी सपने इन्होंने देखे थे वो सब इनको टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जो फीलिंग्स हैं, इनके जो इमोशंस हैं, वो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब वेस्ट चला जाएगा, बिकॉज सामने वाला जो पर्सन है उनके पास तो कुछ खास है ही नहीं मेरे लिए।
या ये जो पर्सन है ये तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि ये तो क्या ही मुझे क्या ही सपोर्ट करेंगे, या ये मुझे क्या ही क्या ऑफर देंगे, ये मुझे, ये तो ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं. आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है. एडिशनल मैसेजेस गाइज यहाँ पे चेक कर लेते हैं और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में. शाइन, नर्चर, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, लव, ऑल राइट, टू मोर कार्ड्स आई विल टेक. लीड, ओके, एंड वी हैव अवेटिंग रिजल्ट्स. आपके पर्सन बहुत टाइम से, पहली चीज़, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. काफ़ी कुछ वो इस रिश्ते में लगा चुके हैं, भले ही वो मनी हो, भले ही वो टाइम हो या इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो. थर्ड पार्टी के साथ वो अपना काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, जैसे कहते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दी है एंड वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है. ये बहुत लीड का कार्ड आया है. ये बहुत कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को ज़बरदस्ती कंट्रोल करके, ज़बरदस्ती अपने तरीके से चलाने की, लेकिन वो रिज़ल्ट इनको नहीं मिल पा रहा है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में जो लव है वो ग्रो करे, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो, आगे बढ़ें, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेके एंड दुनिया को ये कुछ प्रूव कर पाएं कि देखो मेरा एक रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल नहीं रहा है तो दूसरा रिलेशनशिप मेरा सक्सेसफुल हो गया है. बहुत हद तक इनका ये जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है ये दिखावे के लिए है, या ये थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं उनकी लुक्स की वजह से, उनकी ब्यूटी की वजह से, या कह लीजिए उनकी मनी की वजह से भी हो सकता है, किसी ना किसी मटीरियलिस्टिक या टेंजिबल एस्पेक्ट की वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ, आपके पर्सन की तरफ इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉबेबली अट्रैक्ट हुई हैं. राइट, बहुत ही ज़्यादा लव से ज़्यादा ये मुझे लस्टफुल रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है. कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप देर इज़ नो लव, बट फिजिकल रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं लोग एंड देन लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद यही लव है. नो गाइज, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट सेक्स इज नॉट इक्वल टू लव. सॉरी, बहुत ही ज़्यादा ये डेप्थ वाली दीज आर वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स, वेरी सीरियस फीलिंग्स. एंड आपके और आपके सॉरी थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में कुछ लोगों के लिए दे हैव सेक्सुअल कनेक्शंस आल्सो, दे हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप आल्सो, जिनको वो प्रॉबली मिस्टेक कर रहे हैं ये सोचने के लिए कि ये शायद प्यार है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए जेन्युइन नज़र आ रही हैं. वो चाहते हैं ग्रो करना, बट थर्ड पार्टी जो है उनकी लाइफ में कोई और ऑलरेडी इन्वॉल्व है. राइट, ओके, आपके पर्सन के थॉट्स आपके टुवर्ड्स क्या हैं, देखते हैं क्या फील करते हैं ये, आपके टुवर्ड्स क्या फील करते हैं. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, आपने मेरा बहुत साथ दिया. डस्की व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, हिंट हो सकता है फिजिकल फीचर आपका या आपके पर्सन का. आई मिस यू, ओके, आपको भी मिस कर रहे हैं ये. ट्रैवल विद यू, प्रॉबेबली आपने साथ में कभी पास्ट में ट्रैवल किया हो, राइट, या फ्यूचर में कभी ये आपसे मिलने के लिए कोशिश कर रहे हो और इनको ट्रैवल करना पड़े, आप लोग अलग सिटीज में रहते हो, कुछ दूरी पे आप रहते हैं, इनको ट्रैवल करना पड़ेगा आपको आपसे मिलने के लिए. आई लव यू, ओके, ऑल राइट गाइज, इनका जो ट्रू लव है वो ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो आपके टुवर्ड्स हैं थर्ड पर्सन के साथ, या तो थर्ड पर्सन जो है वो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं किसी ना किसी वजह से, या फिर ये थर्ड पर्सन के साथ किसी ना किसी अपने फ़ायदे के लिए हैं, बट इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस जो हैं वो आपके टुवर्ड्स हैं. ओके, ऑल राइट, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में, क्या है मैसेज एंजल्स की तरफ से.
कॉम्प्रोमाइज, परफेक्ट टाइमिंग, नो नो कॉम्प्रोमाइज. ऑल राइट, सो दिस इज लाइक अ क्लियर मैसेज. मुझे ऐसा लगता है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सा मैसेज है किसी एक पर्सन के लिए जिनके साथ ये रीडिंग कंप्लीटली रेजोनेट कर रही है. आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी रिलेशनशिप के लिए नहीं. एंड कुछ अलग लोग हैं, कुछ अलग, ठीक है, कुछ कम लोगों के लिए यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है, यानी कि एक परफेक्ट टाइम ऐसा आएगा जब आपके पर्सन और आपके बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाएगा. बट आई बिलीव गाइडिंग मैसेज आपके लिए यही रहेगा, तब तक के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको नहीं खोनी है, किसी के भी आगे ज़बरदस्ती आपको नहीं झुकना है, एंड नीडी नहीं दिखना है. आपको अपने आप को विक्टिम नहीं दिखाना है. आपको ये नहीं दिखाना है कि आप सफ़र कर रहे हैं या उनके बिना आपकी लाइफ में कुछ नहीं है. ऐसा करके आप सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे. ऐसा आपको नहीं करना है. परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कीजिए. परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपका रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं. ग्रुप नंबर 3 गाइस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा. एंड गाइस, कोई टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर रीडिंग करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, उस पर भी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी. एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस लेना चाहते हैं मेरे थ्रू, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.